बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम नाज़रीन। आप सबका इस्तकबाल है हमारे शो फूड डायरी में। मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट एलिना वारिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में जिसकी हिस्ट्री बहुत ही एंशंट है। इतना ही नहीं, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट फ्रूट हुआ करता था और इसकी इतनी खूबियाँ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी हदीसों में इसका जिक्र किया है। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं खजूर यानी डेट्स की। तो चलिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको आशना करवाते हैं खजूर के कई सारे बेमिसाल फायदों से। खजूर में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जिसमें से एक है आयरन। आयरन हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और एनीमिया को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है। तो अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, आपका हीमोग्लोबिन लो रहता है, तो खजूर खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। खुसूसन उन बच्चों में जिनके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते, कैविटीज आ जाती है, कोशिश करें उन्हें खजूर ज़्यादा खिलाएं। ये आपके बच्चों के दांतों को और आपके भी दांतों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कैविटीज से बचाएगा। इसी तरह खजूर जो है आपके कॉन्स्टिपेशन या हाजमे की खराबी को ठीक करने के लिए भी मुफीद हो सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि कुछ खजूरें ले, उसे पानी में भिगा के रखिए 3-4 घंटे के लिए और कुछ देर के बाद में इसे खाए, तो इंशाल्लाह इससे आपका हाजमा भी ठीक होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से भी रिलीफ मिलेगा। कुछ हजरात ऐसे होते हैं जिन्हें वेट लूज करने का स्ट्रगल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका वेट बढ़ता नहीं है, उनके लिए खजूर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब भी आपको बीच में मौका मिले खजूरें ले, इंशाल्लाह ये आपके वेट को, आपके वजन को बढ़ाने में बेनिफिशियल रहेगा। अक्सर जो हामिला औरतें होती है या वो लोग जिनका वजन ज्यादा होता है, उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत होती है। यस, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही कॉमन है और अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की तकलीफ है तो खजूर का तेल जरूर लगाएं। ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को कम भी करेगा और साथ में आपकी स्किन को इलास्टिक और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। नाज़रीन, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें रात को नींद जल्दी से नहीं आती और वो बहुत परेशान रहते हैं। उनके लिए ये एक टिप है कि आप खजूर ले और उसे दूध में भिगा के रखें और फिर उसे बॉईल करने के बाद में उसमें दालचीनी का पाउडर डालें और इसे सोने से पहले पिए। इंशाल्लाह इससे आपको सुकून की नींद आएगी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खजूर आपकी थकान को ठीक करने के लिए भी मुफीद हो सकता है? जी हाँ, तो अगर आप उन लोगों में से है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो एक सिंपल टिप है, 4 खजूरें ले और उसे 1.5 यानी 1.5 कप दूध में बॉईल करें और फिर उसे पिए। इंशाल्लाह इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं नाज़रीन, खजूर आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे वेट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही, उनका जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं है, उन्हें खजूर खिलाएं, इंशाल्लाह इससे उनकी ग्रोथ में काफ़ी फर्क पड़ेगा। एक टिप हमारी उन बहनों के लिए जो हामिला है यानी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के 3rd trimester में खजूर खाने से डिलीवरी इजी हो जाती है और पेन कम होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है और आपकी डिलीवरी का वक्त करीब है तो खजूर ज़रूर खाएं, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। हमारे कई सारे मासूमीन की हदीसें भी इसी पे एम्फसाइज करती है, तो खजूर खाना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और नाज़रीन, लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो खजूर का हम आपको आज बताने वाले हैं, वो ये कि खजूर आपके बॉडी के टॉक्सिन्स यानी जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है उसको बाहर निकाल फेंकता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। शायद इसीलिए ही माहे रमजान में रोजा खुलते वक्त खजूर खाना मुस्तहब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है किताब उयून अकबार रजा, जिसमें फरमाते हैं कि निहार मुंह खजूर जरूर खाओ, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम से आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह जब दूसरी बार मिलेंगे तब किसी और फूड के साथ और उसके बेनिफिट्स को जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।